दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। यूडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादा नगर हवेली एंड दमन दीव में बहुत सारी वैकेंसी आई है दोस्तों। इसमें गवर्निंग बॉडी है हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा है दोस्तों। इन्होंने वैकेंसी निकाली है दोस्तों। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में डिफरेंट सब्जेक्ट की वैकेंसियाँ निकाली है दोस्तों। इसमें पहला है बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तीसरा है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और चौथा है इंग्लिश दोस्तों। इसमें देख लीजिए आप ही लोग दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आया है दोस्तों। हमारी ये गवर्निंग बॉडी है, इन्होंने निकाली है। पोस्ट क्या है हमारी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन डिफरेंट सब्जेक्ट में है दोस्तों। इसमें आप लोगों को फ़ीस नहीं लगेगी, आप लोगों को डायरेक्ट अप्लाई करनी है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है ये देख लीजिए दोस्तों। BA है, BCom है, BEd है, पोस्ट ग्रेजुएट एक्सेट्रा मांगा है दोस्तों। इसमें बहुत सारे आगे मिलेंगे दोस्तों, क्या क्या है मैं सब बताऊंगा। अदर स्टेट भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके पहले से दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में बहुत सारी वैकेंसी आई है दोस्तों। इसमें है ना गवर्निंग बॉडी डायरेक्टेड एजुकेशन समग्र शिक्षा है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है दोस्तों। हमारे 30 मई को यह एडवर्टाइजमेंट जारी की है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है दोस्तों। ये है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये लिखी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टोकरखाड़ा, हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टोकरखाड़ा में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है दोस्तों। ये है ना आपको है ना ये 29,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी आपको, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है दोस्तों। ये पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मराठी मीडियम में है दोस्तों। पहला पोस्ट है इसमें देख लीजिए बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स में है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में है, तीसरा है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, चौथा है हमारा इंग्लिश है दोस्तों। इसमें एज देख लेते हैं, एज का क्रिटेरिया देख लेते हैं, 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट की क्रिटेरिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है ऑर्डर्स, उसके अप्रूवल एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd फ्रॉम नेशनल काउंसिल टीचर फॉर टीचर एजुकेशन रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएट भी मांगा है और दोस्तों इसमें BEd भी मांगा है। पोस्ट ग्रेजुएट दोस्तों इसमें है ना बैचलर पोस्ट ग्रेजुएट है ना 50% मार्क्स चाहिए, और इसमें BEd भी कंपलसरी मांगा हुआ है दोस्तों। इसमें दोस्तों 29,000 सैलरी मिलेगी सभी में, और करके देखते हैं दोस्तों इसका एक और क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट मांगा है दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएट 50% मार्क्स एंड BA और BEd BCom एंड BEd फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएट 50% मांगा है, और है ना BA या BEd या BCom या BEd फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से भी होगा तो भी चलेगा, इसमें से कोई भी होगा ना तो फॉर्म दोस्तों तो आप चाह एलिजिबल हो ये सब के लिए फॉर्म भर सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों ये क्या है, ये पढ़ लेते हैं। द विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इंक्लोज एयर विद ड्यूली साइन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड रीच टू द रूम नंबर 13 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सिक्योरिटी 66 KB रोड आमली बाया सिलवासर दादरा एंड नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट बट नॉट लेदर लेटर देन 20 जून 2022 5 PM द एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द ड्यू डेट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये मांगा है कि है ना दोस्तों आपको सभी डॉक्यूमेंट है ना पूरे फॉर्म के नीचे अभी जो देंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा हुआ है, जो 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 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल डॉक्यूमेंट है ना पूरा फोटो कॉपी अटैच करनी है, आपके फोटो जेरोक्स भी और जेरोक्स फोटो कॉपी अटैच करनी है, और यहाँ पे पहुँचना जरूरी है रूम नंबर 13। यहाँ देखिए रूम नंबर 13 ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सिक्योरिटेड 66 KB रोड आमली सिलवासा दादरा एंड नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है सचिवालय के इधर है दोस्तों, वहाँ पे जाकर के रूम नंबर 13 ये ऑफिस ऑफ द
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सेक्रेटरी 66 के बी रोड आमली सिलवासा दादरा एंड नगर हवेली पूछोगे सिलवासा में तो पूछ सबको ही बता देगा। 26 तारीख के बाद आपको फॉर्म नहीं लेंगे ये लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया ये लोग ने। दोस्तों आगे क्या करना है, दोस्तों दोस्तों यहाँ पे आपको है ना, ये जो आप एजुकेशन एजुकेशन जो जो वैकेंसी निकालिए तो पीजीटी का सब्जेक्ट लिखिए जिस सब्जेक्ट में आप फुलफिल्ड हो रहे हो। बाद में यहाँ पे आपको फ़ोटो चाहिए, क्रॉस साइन चाहिए, नाम आपका चाहिए, फादर नेम चाहिए, रेसिडेंसी एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज 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 ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन में ये लोग ने अभी यहाँ पे लाए ना दोस्तों, ये रहा ये लोग ने ये जो डेट लाए ना 26/6/2022, यहाँ का एज है ना यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे एज ऑन गूगल पे सर्च कर लेना, यहाँ पे गूगल पे दिखाएगा कि आपका एज है ना इतने में को कितना हो गया, ऐसा इतने में को कितना तारीख एज ईयर मंथ और डेट हो गया, तो ये लिख देना है। टिक मार्क इन द बिलो एस एप्लीकेबल, जेंडर में लिखिए टिक कीजिए दोस्तों, कास्ट कैटेगरी कौन सा है जो है टिक कीजिए, कौन से फिजिक हैंडीकेप है तो एस नो पे टिक कीजिए, मास्टर स्टेटस से टिक कीजिए, डोमिसाइल डीएनए दमनदीव पर टिक कीजिए, मास्टर मीडियम आपका 10th में मीडियम बहुत ज़रूरी है वो बताना मेंशन करना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों बोर्ड कौन सा क्वालिफिकेशन है, ये इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन, आपको कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पढ़े हो वो यूनिवर्सिटी लिखिए, कब पास हुए, कितने में से कितना मार्क्स लाए वो लिखना है दोस्तों, परसेंटेज कितना आया है दोस्तों ये लिखनी है। आगे देखने हैं देखते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस, आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट में आपने काम किया था, पोस्ट किस पोस्ट पर थे, कब से कब तक काम किया, और आपका डिस्क्रिप्टिव में ब्रीफ में आपको जो सर्विस में क्या किया आपने वो लिखना है। ये देखते हैं दोस्तों कैंडिडेट शुड अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टिक मार्क इन द बिलो बॉक्स एक्स एप्लीकेबल, जिस सब्जेक्ट और के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस उस फुलफिल क्रिटेरिया को आप एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो उसका टिक मार्क कीजिए ये वाला दोस्तों, और वो अटैच कीजिए अपने डॉक्यूमेंट में, और वहाँ पे 66 के बी रोड वो जो आप ऊपर दिए हुए मेंशन पोस्ट पे है ना, यहाँ पे रूम नंबर 13 ये यहाँ पे जाकर के आपको जाकर के भेज देनी है और जाकर भेजनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब बहुत ज़रूरी है। डिक्लेरेशन में यही है कि आपका डिविएशन हुआ आपके फॉर्म में, आपका अनफुलफिल क्राइटेरिया अनफुलफिल्ड हुआ तो ये लोग निकाल सकते हैं ऐसा लिखा है, और परमानेंट करने के लिए आप राइट नहीं कर सकते, ऐसा क्लेम नहीं कर सकते ऐसा लिखा है दोस्तों। आप जिस डेट से लिख रहे हो वो वाला डेट और कहाँ से लिख रहे हो वो बहुत ज़रूरी है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ये आपकी ज़रूरी है दोस्तों। इनमें दोस्तों है क्या है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों, और नीचे दिए गए रेड कलर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में रखिए ताकि मैं जवाब दे सकूं। सभी दादा नगर हवेली एंड दमन दीव 333 को अपडेट मैं देता हूं दोस्तों, जो भी आएगा वैकेंसी मैं अपडेट दूंगा। थैंक यू दोस्तों।